82 साल की बिलकिस बानो, जिन्हें हम सब दादी के नाम से जानते हैं, खास करके शाहीन बाग दादी। जी हाँ, ये NRC और CA के प्रोटेस्ट के अंदर कई महीनों तक अपनी जिल्दोजहद बरकरार रखी थी। अब ये दादी पहुंची है दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर फार्मर्स की प्रोटेस्ट चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन दिल्ली की पुलिस इन्हें आने नहीं दी और इन्हें डिटेन कर दिया। पुलिस के पास जवाब यही है कि आप सीनियर सिटीजन हैं और COVID-19 की इस पैंडेमिक में आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें पुलिस सिक्योरिटी के साथ उनके घर इस दिल्ली को बिछा दिया। दादी का ये मानना है कि CA NRC के रैली में और प्रोटेस्ट में वो काफी एक्टिव रही थी और सिख भाइयों का साथ उसमें था। जब बात फार्मर्स की आई है और अपने सिख भाई की आई है, तो मैं भी आवाज लगाऊंगी और उनका साथ दूंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस को ये बात मंजूर नहीं थी, उन्होंने दादी को डिटेन कर दिया। ये वही शाहीन बाग की दादी हैं जिन्होंने अपने जिल्दोजहद से लोगों के दिल जीते और उस प्रोटेस्ट को बहुत स्ट्रांग बनाया था। इतना स्ट्रांग बना दिया था कि अमेरिका की वीकली टाइम मैगजीन में उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल किया गया था, जिनमें PM नरेंद्र मोदी जी और बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना भी मौजूद थे। यानी दादी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन दादी को फार्मर प्रोटेस्ट में नहीं देखकर लोगों को अफसोस ही बड़ा हुआ। कोहास दिल्ली ने एक्सक्लूसिव बात की है शाहीन बाग दादी से, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माई बिल्किस दादी, आइए हम इनसे बात करते हैं। कल ये गई थी किसान आंदोलन में, इनके साथ क्या हुआ वहाँ पर? तो दादी ये बताइए, कल आप आंदोलन में गई थी हिस्सा बनने, तो क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? क्या गए तो ये पहुँच भी गए, अब पर थोड़ी दूर चल कर यूँ कह दी तुम चले जाओ यहाँ से। क्यों ऐसा क्यों कहा? किसानों से अलग जान नहीं दिया। तो दादी ऐसा क्यों कहा, किसने रोका था आपको? पुलिस ने रोका और किसने रोका? क्या कहकर रोका था? यूँ कही क्या नाम, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है और तुम घर चली जाओ। तो दादी आपने वहाँ ये कहना था ना, मेरी उम्र के बराबर के जो किसान है वो भी तो यहाँ है, उनको भी तो फिर कोरोना का डर है, आप उनको भी जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करें, जाने दें उनका, उनके हक में जान दिया था, जान कहाँ दी है वहाँ तक किसानों तक। आप क्या दोबारा उनके आंदोलन का हिस्सा बनने जाएंगी? अभी तो कोई मसला ना है जाने का। तो आप जो है देश को क्या कहना चाहेंगी, किसानों से के लिए क्या बोलना चाहेंगी आप हमारे देश से? हम तो यूँ ही बोलना चाहेंगे, इतना जुल्म हो रहा किसानों के साथ, 8 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं गल्ला अनाज का किसानों का, और जब बनियों के चला जाओ तो अभी 22 कूदें 20 कूदें 21 कूदें ऐसा होता है, तो किसान तो वहीं के वहीं हैं, किसान तो आगे बढ़ ही ना रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, 20 साल पीछे हो गए किसान भी। तो आपको क्या लगता है सरकार ने जो किसानों के लिए 3 कानून पास किए हैं, ये किसानों के हक में है या फिर किसानों के खिलाफ है? खिलाफ हैं, ये तो हमारे भी खिलाफ हैं, किसान के भी खिलाफ। और सरकार तो ये भी कह रही है कि जो किसान हैं उनमें से कई तो किसान ही नहीं है, वो सब जो है खालिस्तानी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कैसा है, सभी किसान हैं, हम हैं हम भी किसान हैं, अब ये हैं तो ये भी किसान ही हैं, ऐसा कैसा बाहर के कहाँ हैं आए हुए, सब किसान ही हैं। तो आप जो है सरकार से क्या कहेंगी कि किसानों के लिए जो आप क्या अपील करेंगी सरकार से हमारे चैनल? हम तो यूँ ही कहेंगे हमारी और किसानों की सबकी बात सुने और हमें ये काला कानून वापस करो, और कैसे हम पहले से रहते आए ऐसे ही रहेंगे, प्यार मोहब्बत से बड़ों की इज्जत करो, छोटा पर शफ़क़त करो, और जो ये जुल्म हो रहा है इसको ख़त्म करो। हाथ रस की लड़की का इतना जुल्म हुआ, हमने चाहा हम जाएं तो न जान दिए हमें पुलिस, तो क्यों नहीं जाने दिया आपको? पता नहीं जाए क्या जुल्म है ये जो आने जाने को मना कर रहे हैं। तो क्या अगर किसानों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो क्या आप किसानों के साथ खड़ी होंगी? हाँ तैयार हैं, हम साथ देने को भी और खड़े होने को भी किसानों के साथ, किसानों की बहुएँ किसानों की बेटियाँ। तो देखिए दादी ने कितने अच्छे से कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं किसान की बहू हूँ, किसान की ही बेटी हूँ। तो ये हमारे साथ थी हमारी बिल्किस दादी। देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए GoHash, मैं आपके साथ अर्श इकबाल, कैमरा पर्सन महवेश सिद्दीकी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग GoHash। लाइक
share and subscribe our channel.